गैप के बाद ये सस्टेन करता है तो आज बहुत अच्छा चांस है कि निफ्टी आज ऊपर जाएगा ट्वेंटी टू जीरो फाइव जीरो ट्वेंटी, ट्वेंटी टू वन थ्री ज़ीरो लेकिन अगर गैप अप ये रेसिस्टेंस जोन पे हुआ तो हमें बहुत भीखा मार्केट मिल सकता है ये सौ पॉइंट में रह सकता है हमें चाहिए कि छोटा वाला गैप अप हो ट्वेंटी टू थाउजेंड के नीचे और या फ्लैट ओपन हो और इसको क्रॉस कर जाए तो ट्वेंटी टू वन थर्टी आराम से आ जाएगा तो बहुत सारे लोग बैरिश हैं तो चांस है कि मार्केट ऊपर जाएगा और निफ्टी में नेगेटिव कब होगा आज अगर ये गैप डाउन खुले और ट्वेंटी वन नाइन हंड्रेड ब्रेक करे तो बहुत नेगेटिव होगा ट्वेंटी वन एट हंड्रेड ट्वेंटी वन सेवन ट्वेंटी फाइव टारगेट रहेगा उससे नीचे भी जा सकता क्योंकि इतने लोग बैरिश हैं सो so, क्योंकि इतने लोग बैरिश है मैं तो आज पॉजिटिव की ट्राई करूँगा निफ्टी आ, थोड़ा साइडवेज दिख रहा है मुझे शायद एक और दिन लगेगा निफ्टी को मैं में पर अपना बैंक निफ्टी ने अपना हाल चेंज कर लिया है बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो तीन दिन से बैर्स कोशिश कर रहे हैं कि ए एरिया को तोड़ दें आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी सारी बार मार्केट ट्राई टू गो डाउन बट द बुल्स केम इन एंड रेस्क्यूड तो ए जोन बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया है तो यहाँ से अगर गैप अप हुए कल कल की तरह तो मार्केट ऊपर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है तो ये भी देखना जरूरी है कि लास्ट दो दिन गैप अप हुआ लेकिन वापस यही जोन पे आया उसके बाद नीचे तो इस पर अगर गैप गैप अप ओपन होगा फोर्टी सिक्स सिक्सटी के ऊपर यानी कि कल के हाई के ऊपर गैप अप हुआ या कल के हाई के अराउंड गैप अप हुआ और ये ऊपर निकल गया यहाँ से तो 46,328, 46,507 और इवन पॉसिबल है कि आज हम फोर्टी सिक्स uh, या 46,800 सिक्स दिख जाए तो आज बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से अपना पंटेड लिस्ट में होना चाहिए uh, निफ्टी नहीं निफ्टी इज़ फॉर मोस्टली फॉर साइडवेज वेज लुक साइक आई बी रॉन्ग आसो कैन सी और बैंक निफ्टी नीचे नेगेटिव कब होगा जब ये ए जोन तोड़ता है यहाँ पे फोर्टी uh, सिक्स फोर्टी फाइव सेवन थ्री तोड़ता है या कि डाउन उसके नीचे करता है तो बहुत चांस है कि मार्केट आज फोर्टी फाइव फोर हंड्रेड और उसके नीचे फोर्टी फाइव वन हंड्रेड की तरह निकल जाए तो आज इंटरेस्टिंग uh, बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है ऑल दो निफ्टी एक्सपायर है पर इंटरेस्टिंग बैंक निफ्टी दिख रहा है निफ्टी uh, इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर ज्यादा गैप अप ना हो और ट्वेंटी टू थाउजेंड के आसपास गैप अप करके ऊपर निकल जाए तब निफ्टी भी uh, अच्छा लगने लगता है ओके सो हैव अ ग्रेट डे ऑफ ट्रेडिंग थैंक यू वेरी मच आई जोइन यू बताना तो वीडियो बाय बाय